अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? मैं हूँ आपका अपना आदर रियाज। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर ऑफिस होंगे। तो जनाब, अभी इस टाइम वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप लोगों से ये कहना कि अगर आप लोग अपना मकान सेल करना चाह रहे हो या अपना प्लॉट सेल करना चाह रहे हो गुलशन मेमार में, क्योंकि आपको शायद आइडिया हो कि मैं मेमार में ही काम करता हूँ और रिहाइश भी मेरी मेमार में ही है। तो अगर आप लोग अपना मकान जो है मेमार में सेल करना चाह रहे हो या रेंट पर देना चाह रहे हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, पहली बात। और अगर आप अपना प्लॉट भी मेमार में सेल करना चाह रहे हो या उसकी इर्द गिर्द की सोसाइटी में कहीं पर सेल करना चाह रहे हो, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। या मेमार के अलावा कहीं पर अपना मकान रेंट पर देना है या सेल करना है, तो भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं ना। तो बगैर को टाइम वेस्ट किए आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करें। अच्छा, अब ये चीज़ है कि बाद जब ऐसा भी होता है, बहुत से लोग मुझसे बाहर से कॉन्टैक्ट करते हैं, मतलब आउट ऑफ कंट्री कॉन्टैक्ट कर रहे होते हैं कि हमारा प्लॉट है इस सेक्टर में, म्यांमार में, इस सेक्टर में, इस सेक्टर में, तो हमें सेल करना है। देखें, एक चीज़ होती है, आप जो है जायज़ मांगें, यानी कि जो एक्चुअल प्राइस है ना, जो मार्केट में रेट चल रहा है वो प्राइस मांगें आप लोग, तो इंशाल्लाह आपको मिलेगा, बायर भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप मुझे बताओ कि आदिल मैं मांग रहा हूँ 1 करोड़, आदिल आगे पार्टी को कहे कि भाई 1.5 फाइनल है, आदिल अपना 5 लाख अपना रखे, ये वाले काम मैं नहीं करता। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने बहुत दिया है, यानी कि थोड़ा कहो अच्छा कहो, मैं ये वाले काम नहीं करता। मैं खुद कंस्ट्रक्शन काम करता हूँ माशाल्लाह से, और मैं उसी में खुश हूँ। तो अगर आप अपना मकान रेंट पर देना चाहते हो या अपना मकान सेल करना चाहते हो, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं फ़ौरन आके बनाऊँगा वीडियो। फ़ौरन मतलब इस तरह तो नहीं कि पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय की तरह कि मैं 30 मिनट में पहुँच जाऊँगा। हाँ, मैं बाहर में रहता हूँ तो कोऑर्डिनेट कर लेंगे कि भाई मैं इस टाइम आ जाऊँगा वीडियो बनाने, ताकि आपको भी प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि बाद मैं खुद बिज़ी चल रहा होता हूँ कंस्ट्रक्शन की अपनी साइट पर। तो बस कहने का मकसद ये था कि अगर अपना मकान सेल करना है या रेंट पर देना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट करो, मैं आपके मकान की वीडियो बनाऊंगा और अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, और मैं उसके कोई भी चार्जेस नहीं लेता, कुछ भी मैं चार्जेस नहीं लेता, बस ये चीज़ है। तो जनाब, आप नीचे मेरा नंबर आ रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता, तो आप लोग मुझसे मुझे व्हाट्सएप कर दें। अगर उस टाइम भी व्हाट्सएप रिप्लाई नहीं आएगा, तो रात में तो रिप्लाई कर ही दूंगा जब मैं फ्री होगा ना, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, हम फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, अपना चैनल समझ के इसको सब्सक्राइब करें, जो ऊपर लाल वाला बटन आ रहा है ना सब्सक्राइब, उसको क्लिक ज़रूर कीजिएगा, और बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और मुझे सपोर्ट करें, और बहुत से लोग मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं माशाल्लाह, अच्छा लगता है। आउट ऑफ कंट्री से भी कॉल आ रही होती हैं और बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं। और कंस्ट्रक्शन के मुताबिक भी अगर कोई बात पूछनी है, तो आप या तो कमेंट कर दिया करें या फिर मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें, तो जितना पॉसिबल होगा मैं आपकी हेल्प करूंगा, जितना मैं कर सकता हूँ, मतलब जितना मेरे पास एक्सपीरियंस है 5 साल का, और जितना वाले साहब ने मुझे एक्सपीरियंस दिया अपना 30 साल का, वाले साहब का तजर्बा 30 साल से ऊपर का, और 5 साल तो मेरा भी हो चुका है, तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। भाई ने भाई आपका भाई आपकी हेल्प ज़रूर करेगा इंशाल्लाह, आप बेफिक्र हो जाओ, ज़रूरत नहीं है किसी से मकान बनवाने की, यार खुद मकान बनवाओ, खुद जाओ मटेरियल परचेज करो। मैं आपको बताऊँगा कि अगर मकान बनाना है तो उसकी चुनाई कितनी रखनी है, यानी कि दीवारें कितनी रखनी है, हर चीज़ कितनी रखनी है, मैं आपको बताऊंगा साइज़ वगैरह ना। तो अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, खुश रहिए, जिंदगी रही, तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।